दिस इज नीना शर्मा, योर आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर फ्रॉम होली चाइल्ड स्कूल रेवाड़ी। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ फ्रूट्स विद ऑयल पेस्टल कलर। यस, कैसे सीखेंगे हम कि किस तरह से हम फ्रूट्स ड्रॉ करेंगे और ऑयल पेस्टल कलर का यूज़ भी देखेंगे कि किस तरह से हम ऑयल पेस्टल के थ्रू कलरिंग, मिक्सिंग, शेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाना सीखेंगे फ्रूट्स। सबसे पहले हम एप्पल बना रहे हैं। मैंने यहाँ पे बॉर्डर ड्रॉ कर लिया है, इसका मार्जिन लाइन ड्रॉ कर ली है और पहले ऊपर हेडिंग डाल रही हूँ मैं फ्रूट्स। आप भी इस तरह से हेडिंग डालेंगे और यहाँ डेट मेंशन करेंगे। जिस दिन भी आप इसको ड्रॉ कर रहे हैं, बना रहे हैं, उस दिन की आप डेट मेंशन ज़रूर करेंगे। इसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं एप्पल से। एप्पल ड्रॉ करने के लिए हम एक सबसे पहले ऊपर से एक कर्व, अपोजिट कर्व बनाना है इस तरीके से। मैं बहुत डार्क लाइन नहीं कर रही हूँ क्योंकि इट्स अ रफ लाइन। जब तक हमारी लाइन फाइनल नहीं होती हम उसको डार्क ड्रॉ नहीं करते हैं। ये मैंने एक अपोजिट कर्व ड्रॉ किया है, ऊपर से जितना ब्रॉड है नीचे से हल्का सा नैरो करूँगी मैं इसको इस तरह से। इट्स नॉट अ प्रॉपर ओवल, ऊपर से ब्रॉड है नीचे से नैरो है। अब इसके बाद ये शेप ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ पे हल्का सा कर्व दे रही हूँ। इसको मैंने स्लाइटली कर्व, डाउन कर्व दिया है इस तरीके से मैंने इसको, और इसी तरीके से हल्का सा कर्व मैं नीचे दे रही हूँ। नीचे बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है इस तरीके से। अब मैं इसमें से एक्स्ट्रा लाइन्स इरेज कर रही हूँ जिससे आपको प्रॉपर शेप का पता चले। ये हमारी प्रॉपर शेप आ जाएगी। आप चाहें तो यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट ज्वाइन कर सकते हैं इस तरीके से। आप देख रहे हैं प्रॉपर जो हमारी शेप है एप्पल की, इस तरह से हमारी आ गई है। अब हम इसमें यहाँ पे कर्व आर्क लगाएंगे, कर्व लगाएंगे और इसकी एक हल्की सी स्टिक बनाएंगे इस तरीके से। और मैं इसकी सेंटर लाइन इरेज कर रही हूँ। ये शेप है, दिस इज़ अ एप्पल। आप यहाँ पे हेडिंग भी मेंशन करेंगे, इसका नेम, हमारा एप्पल ड्रॉ हो गया है। अब हम इसमें पहले स्केच पेन से आउटलाइन देंगे। और इसके बाद आउटलाइन के बाद सबसे पहले एक बार इरेजर से इसको क्लीन करेंगे। जो हमारी एक्स्ट्रा लाइंस होंगी उसको हम क्लीन कर देंगे। नाउ आई एम डूइंग द कलरिंग वर्क। मैं कलरिंग के लिए ऑयल पेस्टल्स यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ऑयल पेस्टल्स नहीं हैं तो आप क्रेयॉन्स भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं चाहती हूँ कि सभी ऑयल पेस्टल कलरिंग करना सीखें, इसलिए मैं आपको ऑयल पेस्टल से ही कलरिंग करना सिखा रही हूँ। और इसमें मैं लाइट येलो यूज़ करने वाली हूँ, डार्क येलो, डीप येलो एंड रेड। तो सबसे पहले मैं लाइट येलो से स्टार्ट कर रही हूँ। लाइट येलो हम यहाँ कर रहे हैं इस साइड, और हल्का सा वाइट स्पेस बीच में छोड़ा है मैंने यहाँ पे, आप देख रहे हो इस तरीके से। और अब मैं यहाँ पे डीप येलो, डार्क येलो यूज़ कर रही हूँ। और वो भी इसके साइड साइड, जस्ट जो हमने शेप लिए, जो हम अपना एप्पल बना रहे हैं प्रॉपर पूरा रेड नहीं बना रहे हैं, हल्का सा एक साइड से येलोइश और बाकी रेड बना रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पहले बीच में लाइट येलो यूज़ किया है, फिर मैं डार्क येलो यूज़ कर रही हूँ और उसके बाद हम रेड यूज़ करेंगे इसमें।
ये जो हमारी शेप है इसको हम कर्व में ही कलरिंग करेंगे। स्ट्रेट लाइंस नहीं दे रही हूँ मैं यहाँ पे, कर्व दे रही हूँ क्योंकि वहाँ पे हमारी शेप इस तरह की है। जैसी शेप होगी हम उसी अकॉर्डिंग हमारे स्ट्रोक्स देंगे। और जहाँ हमें अलग कलर मिक्सिंग करनी होती है वहाँ बहुत डार्क डार्क कलर नहीं देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बहुत लाइट दे रही हूँ क्योंकि आगे हमें इसमें ये रेड मर्ज करना है, तो बहुत हल्का हल्का कलर कर रही हूँ। अब हम रेड यूज़ करेंगे। रेड के लिए जैसे मैंने आपको बताया यहाँ से हम इसमें रेड मर्ज करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हल्का सा लाइट शो करना है तो आप पहले उसमें ऑरेंज यूज़ कर लीजिए। यहाँ पे मैंने हल्का ऑरेंज दे दिया है पहले, जिससे कि हमारी मिक्सिंग प्रॉपर रेड नहीं दिखेगा, एप्पल कहीं से लाइट और कहीं से डार्क दिखेगा। यहाँ पे मैंने ऑरेंज से शेड दिया। नाउ आई एम डूइंग द रेड वन। तो रेड करने के लिए अब मैं पहले फाइनली आउटलाइन दे रही हूँ यहाँ पे साइड से। ये हमारे स्ट्रोक्स हैं, इस तरह से मैंने प्रॉपर नीचे नीचे रेड दिया है इसको, नीचे से ऊपर की तरफ स्ट्रोक्स दे रही हूँ। और पहले एक बार इसको हम मिक्स कर लेंगे। आप इसको टिश्यू की हेल्प से भी मिक्स कर सकते हैं, फिंगर से भी मिक्स कर सकते हैं। मैं यहाँ फिंगर से इसको मिक्स कर रही हूँ। साइड का जो प्रॉपर रेड आ गया हमारा कलर और ऊपर से हल्का येलोइश। बेटर आप स्टार्टिंग से ही ऑयल पेस्टर कलर यूज़ करें ताकि उसकी आपको प्रैक्टिस हो जाए, उसको मिक्स करना आ जाए। और अब आप देख रहे हैं मैं उसी फिंगर से बीच में भी मिक्स कर रही हूँ, जिससे कि हमारा यहाँ का कलर भी हल्का रेड रेडिश एंड येलो लगे। प्रॉपर मिक्सिंग दे दिया मैंने उसी शेप में। इस तरीके से आप अपने एप्पल में कलरिंग करेंगे। अगर आपको हल्का ग्रीन दिखाना है तो आप येलो के बाद हल्का साइड से ग्रीनिश दिखा सकते हैं, लाइट ग्रीन कलर का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम एप्पल में कलरिंग करेंगे। और इसकी जो स्टेम होगी उसमें हल्का सा ब्राउन और रेड का मिक्स देंगे। एक साइड से मैंने हल्का ब्राउन दिया और हल्का रेड दिया, इस तरीके से ये हमारी इसकी स्टिक बन गई। सो एप्पल इज़ रेडी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैंगो। चलिए यहाँ पे हम मैंगो ड्रॉ करते हैं। यस, वन पेज पे मैं टू फ्रूट्स ड्रॉ कर रही हूँ। आप भी इसी तरीके से टू फ्रूट्स ड्रॉ करेंगे वन पेपर पे। आज हम फोर फ्रूट्स ड्रॉ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कर्व दे रही हूँ, अपोजिट कर्व। हम फिर से एप्पल के जैसे ही अपोजिट कर्व दे रहे हैं, बट इतना ब्रॉड नहीं, समझ लीजिए एक बिग सर्कल है यहाँ पे और एक स्मॉल सर्कल, हाफ सर्कल। इसी के साथ मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ इस तरह से। और इसी से अब हम मैंगो की शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ से मैं लेके आ रही हूँ, इन दोनों को हम टच कर देंगे कर्व में लाते हुए, और यहाँ से भी इसको
इस तरह से टच कर दिया तो ये हमारी मैंगो की शेप बन जाएगी। तो अब हम प्रॉपर लाइंस देंगे इसको। इस तरीके से अब हम अपनी जो फाइनल लाइंस हैं उनको डार्क करेंगे और एक्स्ट्रा लाइंस को इरेज करेंगे। हमने टू सर्कल्स की हेल्प से मैंगो बनाना सीखा है। इस तरीके से हमारा ये मैंगो रेडी है। एक साइड से कर्व, दूसरी साइड से लॉन्ग कर्व लिया है। इसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा अंदर से स्मॉल कर्व लेके और यहाँ से राउंड शेप देके इसको जॉइंट कर दिया है। इस तरीके से आप मैंगो ड्रॉ करेंगे। दोनों ही प्रोसीजर ठीक है, आप सर्कल्स बना के भी कर सकते हो और इस तरह से भी कर सकते हो। इस साइड मैंने बिग कर्व लिया, इधर स्मॉल कर्व लिया, इसके बाद अपोजिट कर्व एंड देन यहाँ से हाफ सर्कल बना के इसको जॉइन कर दिया है। इसी तरीके से आप मैंगो ड्रॉ कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे एक स्मॉल कर्व और इसकी ये स्टिक बना दिए और आप इसमें यहाँ ऊपर एक स्टैम दिखा सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ से एक लीफ भी बना सकते हैं। यहीं से मैं इसको एक लीफ भी दे रही हूँ। मैंगो की लीव्स बहुत लॉन्ग सी होती हैं तो इस तरह से मैं इसको एक लंबी सी लीफ बना रही हूँ। लंबी और पतली होती हैं। इसके बाद हम इसको अगेन स्केच पेन से आउटलाइन देंगे। जिस लाइन को हमें आगे रखना है, मीन्स ये स्टिक आगे है, मैंगो की शेप बैक साइड में है, ये कर्व जो है, तो हम उसको ड्रॉ नहीं करेंगे, हम स्टिक को पहले ड्रॉ करेंगे और इसको हम साइड से लेंगे। इस तरह से हम इसकी आउटलाइन देंगे। हमने प्रॉपर पूरी लीफ ड्रॉ की और अगर हम लीफ को बैक साइड में शो कर रहे हैं तो इसको हम यहाँ से हाफ ही ड्रॉ करेंगे, ऊपर से पूरा ड्रॉ नहीं करेंगे। अगर हम पूरा ड्रॉ कर रहे हैं तो मैंगो को इरेज कर देंगे यहाँ से इतना पोर्शन, अदरवाइज हम लीफ को इरेज कर रहे हैं। और आउटलाइन के बाद हमें क्या करना होता है? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लीन इट विद द इरेजर। एक्स्ट्रा लाइन सारी इरेज करनी होती है हमें, बट थोड़ा सा 2 सेकेंड का टाइम देके। स्केच पेन जहाँ से गीला होगा आपका वहाँ पे ख़राब हो जाएगा पेपर, इसलिए 2 सेकेंड्स के लिए रुक के उसके बाद आप इसको इरेजर से क्लीन कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आप हम अपनी कलरिंग। कलरिंग के लिए हमारा येलो कौन से कलर का होता है? येलो, यस, बट साइड में हल्का सा ऑरेंजिश होता है और कहीं से हल्का सा लाइट येलो होता है, तो हम वही 3 कलर्स यूज़ कर रहे हैं, लाइट येलो, डार्क येलो एंड ऑरेंज ऑल्सो। अगर आप ग्रीनिश बनाना चाहते हैं तो ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं, लाइट ग्रीन भी हम यूज़ करेंगे इसमें। एंड ऑरेंज ऑल्सो दिस वन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा यहाँ का एरिया है हम उसको लाइट शेड दिखा रहे हैं, यहाँ से डार्क दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं वो यहाँ पे लाइट येलो दे रही हूँ हल्का, इस तरीके से। ये हमारा लाइट येलो हो गया इतना पोर्शन और हर कर जैसे शेप है उसी के अकॉर्डिंग अपने स्ट्रोक्स देंगे। जैसे मैं राउंडिश में दे रही हूँ यहाँ पे, कर्व में दे रही हूँ उसी तरीके से। अब हम डाल रहे हैं यहाँ पे डार्क येलो, तो बाकी जो पोर्शन है हमारा डार्क येलो हो जाएगा। ये हमारा डार्क येलो हो गया, डीप येलो।
यहाँ से मैं इसको हल्का सा ग्रीनिश लुक दे रही हूँ, लाइट ग्रीन यूज़ किया मैंने इसमें। ये कलर मैं यहाँ पे प्रॉपर डार्क दे रही हूँ येलो, क्योंकि मुझे इसमें एक्स्ट्रा कोई कलर मिक्स नहीं करना है। और बैक साइड मैंने जो हल्का सा वाइट छोड़ा है, मैं यहाँ पे ऑरेंजिश लुक दे रही हूँ इसको बैक साइड से। आप इसके ऊपर भी कर सकते हैं, जो हमने येलो किया है उससे वो येलो का शेड भी मिक्स हो जाएगा इसके अंदर इस तरीके से। और सारे कलर्स करने के बाद हम इसको फिर फिंगर से मिक्स करेंगे। अब हम इसको अच्छे से फिंगर अपनी वाइप करके और उससे इसको क्लीन कर मिक्स कर देंगे। पूरा मर्ज कर रही हूँ सारे कलर एक दूसरे के अंदर, आप देख रहे हैं शेप के अकॉर्डिंग। ग्रीन हमने बहुत हल्का सा यूज़ किया है। देखिए मैंने पूरा फिंगर से सारे कलर्स को अच्छे से मिक्स कर दिया है, बट मेरी फिंगर उसी अकॉर्डिंग चल रही है जो इसकी शेप है। और आप देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल मैंगो है हमारा। यस, अब हम इसकी लीफ में कलरिंग करेंगे। मैंगो कंप्लीट हो गया हमारा, अब हम इसकी लीफ में कलरिंग करेंगे। अगर आप चाहते हैं और इसको डार्क शेड देना तो आप इसमें ऑरेंज और मिक्स कर सकते हैं। आप ग्रीनिश बनाना चाहते हो तो उसमें ग्रीन और ऐड कर सकते हो। अगर इसको और डार्क शेड देना है तो आप इसको यहाँ बैक साइड से देंगे और इसको मिक्स कर देंगे इस तरीके से। चलिए लीफ स्टार्ट करते हैं। लीफ में मैं लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन यूज़ करने वाली हूँ और साथ में ले रही हूँ मैं येलो। यस, थ्री कलर्स यूज़ करके हम लीफ में कलरिंग करेंगे। सबसे पहले मैं हाफ लीफ में येलो दे रही हूँ इस साइड से। और बाकी पोर्शन में लाइट ग्रीन करके और येलो के ऊपर से भी इसको मिक्स कर रही हूँ ये ग्रीन को। बीच में लाइन नहीं दिखनी चाहिए कि हमने टू कलर्स यूज़ किए हैं, पूरा अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। मुझे येलो की हल्की शेड देनी थी तो मैंने उसको साइड से कर दिया और अब उसको मैं फिंगर से मिक्स कर दूँगी इस तरीके से। मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, ये हमारी टू शेड्स की लीफ हो गई है। अब हम इसको हल्का सा साइड से डार्क शेड देंगे, क्योंकि बैक साइड से है हाइड हो गई है तो वहाँ पे थोड़ी सी शेडो आ रही है, वहाँ से हमारी लीफ और डार्क दिख रही है, इसलिए मैंने इसको डार्क ग्रीन से हाईलाइट कर दिया यहाँ से इस तरीके से। ये हमारी लीफ भी ऑलमोस्ट हो गई है। आप चाहें तो इसमें ब्लैक का शेड भी दे सकते हैं कॉर्नर से शेडो दिखाने के लिए। यहाँ से हल्का सा इस पर ब्लैक शो कर सकते हैं इस तरीके से। हमारी लीफ कंप्लीट हो गई है और ऊपर का पोर्शन भी हमें करना है, उसमें हम लाइट ग्रीन और ब्राउन को मिक्स करके कर रहे हैं। यहाँ मैंने ब्राउन किया है और इसके ऊपर मैं हल्का ग्रीन कर रही हूँ इस तरीके से। और ये हमारी मैंगो की पिक्चर पूरी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे मैंने इसको हेडिंग नहीं दी है।
करके यहाँ पे हमारी टू पिक्चर्स कंप्लीट हैं, आप देख रहे हैं। चलिए हम टू फ्रूट्स और सीखते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं ड्रॉ करने जा रही हूँ बनाना। कैसे हम बनाना ड्रॉ करने वाले हैं चलिए सीखते हैं। और आप सभी वन पेपर पे टू फ्रूट्स ही ड्रॉ करेंगे। जैसे आपने देखा वन पेपर पे मैंने एप्पल और मैंगो ड्रॉ किया है, और अब मैं यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप भी वन पेपर पे टू फ्रूट्स ही ड्रॉ कीजिएगा। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। हाफ पेपर हम दूसरे फ्रूट के लिए छोड़ रहे हैं, और यहाँ से ऊपर की साइड ले जाएंगे। पहले हम हल्का सा, बहुत ये शेप नहीं देनी है, बहुत लाइट कर्व दिया है मैंने इसको, और फिर अपोजिट कर्व, देन स्टॉप, राउंड करके स्टॉप दिया है मैंने। अब इसको ऐसे ही नीचे से इसको यहाँ पे हम स्टॉप करने से पहले हल्का सा एक अपोजिट राउंड बना रहे हैं, यहाँ पे स्मॉल सी बना रहे हैं। आपने बनाना देखा ही होगा कैसी शेप होती है उसकी, उस तरीके से हम इसको प्रॉपर शेप दे रहे हैं आगे से। यहाँ से मैंने हल्का सा कर्व लिया है, अपोजिट कर्व लिया है। बहुत डीप कर्व बनाएंगे तो ये वाली शेप बनेगी, हमने बहुत लाइट कर्व लिए तो ये वाली शेप बनेगी। तो आप इस तरीके से लाइट कर्व्स लेंगे, बिल्कुल स्मॉल कर्व्स लेंगे, और उसको आगे से राउंड करते हुए स्टॉप कर देंगे। और बैक साइड से मैंने प्रॉपर लाइट कर्व लिया है और उसको जॉइन कर दिया है, और यहाँ मैंने एक स्मॉल सा सी बना दिया है। चलिए एक और बनाना बना लेते हैं हम साथ में ही, बट साथ में बिल्कुल इसके जस्ट साथ रखा हुआ है तो उसका हाफ पोर्शन ही दिखेगा हमें, पूरा विजिबल नहीं होगा। तो इसको भी हम पहले कर्व, स्लाइटली कर्व और अपोजिट कर्व इस तरीके से, और उसको यहाँ पे राउंड करते हुए स्टॉप करना है, देन स्मॉल सी एंड देन जॉइंट फ्रॉम हियर। इस तरीके से हमने टू बनाना सात बनाए हैं। और अब मैं ये एक्स्ट्रा लाइन इरेज कर देती हूँ। आप देख रहे हैं बनाना कितना इजी है। और इसको यहाँ पे हम एक ही स्टिक से ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसको हम यहाँ से इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। ओके, कितना इजी है आपने देखा ना। यहाँ पे हम इसमें एक लाइन लगा रहे हैं, दैट इज़ बनाना। बनाना बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें स्केच पेन से आउटलाइन देंगे। जब तक आपकी लाइंस फाइनल नहीं होती हैं उसको बहुत डार्क करके नहीं चलाना है। अगर हम ये लाइन अगर आप ना भी दें तो चलेगा, हम उसको कलर से डिफरेंशिएट करेंगे। आप देखते हो ना, अगर हम बहुत डार्क पेंसिल चलाते हैं तो हमारी फाइल पे मार्क्स आ जाते हैं, निशान आ जाते हैं, और वो इरेज करने के बाद भी नहीं हटते हैं। इट मीन्स हमारी फाइल हर्ट हो रही है पेंसिल से। हमें अपनी फाइल को हर्ट नहीं करना है, बहुत हल्के हैंड से, बिल्कुल लाइट हैंड से अपनी पेंसिल से वर्क लेना है और अपनी फाइल को हर्ट नहीं करना है। ओके, तो मैं बहुत लाइट हैंड से पेंसिल चलाती हूँ जिससे कि इरेज करने के बाद कोई मार्क नहीं आते उस पर और ईजिली इरेज हो जाती है। जब तक हमारी लाइन फाइनल नहीं होती है तब तक हम उसको डार्क नहीं चलाएंगे पेंसिल को। इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट है। अब हम सीखेंगे इसमें कलरिंग कैसे करनी है। कलरिंग करने के लिए हम इसमें या यूज़ करेंगे लाइट येलो, डार्क येलो, हल्के से ग्रीनिश भी होते हैं, साइड से ऑरेंजिश भी होते हैं बहुत लाइटली। तो हम वही फोर कलर्स फिर से यूज़ करने वाले हैं, ब्राउन भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए आप देख रहे हैं इस तरह से मैंने फाइव कलर्स लिए हैं। सबसे पहले मैं जो इसका हाफ पोर्शन है उसमें लाइट येलो से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ मैंने लाइट येलो यूज़ किया इस तरह से, और अब मैं इसमें कर रही हूँ
येलो, डीप येलो, डार्क येलो, इस तरह से मेरा हाफ पोर्शन में मैंने टू कलर्स यूज़ किए हैं। यहाँ से लाइट है, यहाँ से डार्क है, और अब हम यहाँ पे डार्क येलो यूज करेंगे, वर्क करेंगे। इफ़ यू आर हैविंग मस्टर्ड कलर तो आप मस्टर्ड यूज़ कर सकते हैं, जो 12 शेड्स वाला होता है उसमें ये कलर आता है, आप ये यूज़ कर सकते हैं येलो ऑक्रे। तो इसके साथ मैं यहाँ पे इसको मिक्स कर रही हूँ, येलो का डार्क शेड दिखाने के लिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, जो सेंटर में हमें लाइन को अलग दिखाना है थोड़ा सा, तो उस पर मैंने इसको किया है लाइट सा, और इसको फिंगर से मिक्स कर दिया है, और ऊपर वाला भी पोर्शन पूरा मिक्स कर दिया है। अगर आपको इसको हल्का सा ग्रीन दिखाना है तो आप यहाँ से उसको बिल्कुल लाइट सा ग्रीन शो कर सकते हो। चलो हल्का सा यहाँ पे भी मैं ग्रीनिश दे रही हूँ, और इसको मिक्स कर रहे हैं। ये हमारा हो गया। अब नीचे से हमें इसको ब्राउनिश के साथ, आप देखते हो ना थोड़ा सा ब्लैकिश होता है, हल्का सा ब्राउन टच कर रही हूँ मैं यहाँ पे, और इसको मिक्स कर रही हूँ इस तरह से। आप इसको डार्क शेड दिखाएंगे, इसी तरह से हम सेम दूसरा बनाने भी कलर कर रहे हैं। ऊपर वाला पोर्शन लाइट येलो से स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारा हो गया लाइट येलो। अब हम करेंगे यस डार्क येलो, याद है आपको। अब आपको सेम कलरिंग करनी है, और ट्राई कीजिए कि ऑयल पेस्टल कलर ही यूज़ करें, अभी से सीखें इनको करना। अब हम कौन सा करेंगे, यस डार्क येलो, और आगे तक करके, और हम इसमें मस्टर्ड यूज़ कर रहे हैं, येलो ऑक्रे यूज़ कर रहे हैं बिल्कुल लास्ट में। ये हो गया हमारा, और यहाँ से मैंने इसको ब्राउनिश टच दिया है, और अब हम क्या करेंगे, पूरा पहले इसको मिक्स कर देंगे। इस तरीके से मैंने इसको मिक्स किया है, और चलो हम हल्का सा ग्रीनिश भी दिखाई देते हैं इसको। यस, ये हमने इसको ग्रीन टच कर दिया, और ऊपर वाला पोर्शन आप देखते हो मोस्टली ग्रीनिश और ब्राउनिश होता है, तो पहले हम ऊपर थोड़ा थोड़ा सा येलो कलर कर रहे हैं, बहुत लाइट लाइट, और उसके बाद नीचे से मैंने मस्टर्ड दिया है, ऊपर से मैं हल्का सा ग्रीनिश ब्राउनिश दे रही हूँ ये, और इसके ऊपर इसको ग्रीन भी दे रही हूँ हल्का सा, और अब हम इसको मिक्स कर देंगे। आप सिर्फ ब्राउन भी कर देना चाहे, पर ब्राउन और मस्टर्ड, या येलो ब्राउन मिक्स करके इसको कलर कर दीजिएगा। ओके, और हमारे बनानास रेडी हो गए हैं। बनाना, आपने देखा मैंने पेपर पे हेडिंग भी डाली हुई है, इसी तरीके से आप भी हेडिंग जरूर डालेंगे, डेट जरूर मेंशन करेंगे। चलिए नेक्स्ट फ्रूट्स हम देखते हैं, ग्रेप्स। मोस्टली फ्रेंड्स को बोलते हैं ग्रेप्स ड्रॉ करो, तो ऐसे छोटे 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 सर्कल्स, बहुत सारे सर्कल्स ड्रॉ कर देते हैं, बट हम इस तरीके से ड्रॉ नहीं करेंगे। सबसे पहले हम सारी पिक्चर्स बिग बिग ड्रॉ करेंगे। आप देख रहे हैं मैंने कितना बिग बनानास बनाए हैं, और इस तरह से मैंगो और एप्पल भी, कितने बड़ा हमने अपना पेपर को यूज़ किया है। इतना बड़ा पेपर होता है और हम इतनी सी स्मॉल सी चीज़ बनाते हैं, हमारा पेपर अच्छे से यूटिलाइज नहीं होता है। तो अब हम यहाँ पर अगर बनाना बनाएंगे तो उसको प्रॉपर बड़े बड़े शेप में बनाएंगे, ताकि हम अच्छे से उसमें कलरिंग भी सीख सकें। यहाँ पे हम एक, अच्छा बताइए कि सर्कल बनाएं कि ओवल, दोनों शेप हो सकते हैं, सर्कल भी हो सकता है ओवल भी, बट सारे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, प्रॉपर सारे सर्कल नहीं होते, सारे ओवल नहीं होते। तो हम उसको कंटिन्यूटी में रखते हुए
और सब आगे पीछे होते हैं, ये भी नहीं कि प्रॉपर सारे सर्कल्स दिख रहे हैं हमें, तो उसको एक दूसरे के पीछे हाइड करते हुए बनाएंगे। ऐसे यहाँ का पोर्शन इस ग्रेप्स के पीछे हाइड हो गया। ऐसे ही अब हम यहाँ पे अगर ड्रॉ कर रहे हैं वो पूरा उसके पीछे हाफ पोर्शन बैक साइड में हाफ हो गया, हाइड हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने एक पूरा बना दिया है, यहाँ पे मैं फिर से हाफ बना रही हूँ। और इतने बिग बिग शेप में ही बनाएंगे अपने ग्रेप्स, बहुत स्मॉल साइज़ में नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें इसमें भी कलरिंग, मिक्सिंग, शेडिंग देखनी है कि कैसे करते हैं। बहुत स्मॉल साइज़ के बनाओगे तो उसमें हम कर ही नहीं पाएंगे कलर ना। चलिए, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे बनाते हैं, पहले 5 सर्कल्स, फिर 4 सर्कल्स, फिर 3 सर्कल्स, 2, 1, इस तरह से नहीं बनाएंगे। आपने भी ग्रेप्स देखे हैं ना किस तरह से शेप होती है उनकी, रैंडमली कहीं पे भी होते हैं, कोई प्रॉपर शेप नहीं होती है उनकी। इस तरीके से देखो मैंने आपको ग्रेप्स शो किए, ये ग्रेप हमारा गया इसके बैक साइड में। पेशेंस से बनाइए, आराम से बनाइए, कोई भी चीज़ अगर हम कंप्लीट कर रहे हैं जल्दबाजी में नहीं कि बस मीना मैम ने बोला है ड्रॉ करो, कंप्लीट वर्क करो, तो मैंने 2 मिनट में उसको करके कंप्लीट कर दिया। नहीं, मुझे इतना प्रॉपर वर्क भी चाहिए, मैंने ड्राइंग तो करने के लिए बोला है बट प्रॉपर कलरिंग भी चाहिए, प्रॉपर ड्राइंग भी चाहिए, आप उससे कुछ सीखें तो सही, ये नहीं कि आप बस करना है इसलिए करना है, पेशेंस के साथ करेंगे। जब ड्राइंग का वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो पेशेंस को अपनी पॉकेट में लेके बैठना, ओके, ताकि जैसे ही पेशेंस लूज़ होने लगे पॉकेट में से निकाला और उसको अपने फेस पे डैबिंग किया और फिर आगे वर्क स्टार्ट किया। नो रनिंग, नो फास्ट, पेशेंस के साथ काम करना है। चलिए अब हम इसकी एक लीफ बनाते हैं। इसकी लीफ भी डिफरेंट शेप में होती है, आप देखते हैं हर ट्री की, हर फ्रूट्स की, सबकी लीव्स डिफरेंट शेप में होती हैं, तो इसकी लीफ थोड़ी सी अलग बना रहे हैं, अलग होती है इस तरह से, और ये बाकी इसके पीछे हाइड हो गई है। ये हमारी इसकी लीफ बन गई है। आपने देखा मेरे ग्रेप्स की शेप कोई प्रॉपर शेप नहीं है कि हमने वी शेप में इसको बना दिया, जहाँ पे रैंडमली इसको बनाएंगे, अनइवन बनाएंगे, अनइक्वल बनाएंगे, और आपका जहाँ पे मन करे वहाँ बनाएंगे, बट साइज़ अच्छा बड़ा होना चाहिए ताकि हम प्रॉपर कलरिंग भी कर सकें उसमें। चलिए हमारे ग्रेप्स भी कंप्लीट हो गए, अब हम क्या करने वाले हैं, यस, आउटलाइन। सबसे पहले हम आउटलाइन दे रहे हैं इसमें, चलिए हमारी आउटलाइन कंप्लीट हो गई है, यस। अब हम इसको इरेजर से प्रॉपर क्लीन करेंगे, एक्स्ट्रा लाइंस को हटाएंगे और अब हम इसमें कलरिंग स्टार्ट करते हैं। कलरिंग के लिए इसमें हमें चाहिए डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन एंड येलो, हम 3 कलर्स यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम डार्क ग्रीन लेंगे, इनको वन साइड से डार्क दिखाएंगे, मींस जो नीचे की साइड होगा वो थोड़े से डार्क शेड दिखेंगे। तो इसको मैं नीचे की साइड से हाफ हाफ कर्व जो हैं सब में, नॉट सब में, जो ज़्यादा नीचे हैं उनमें डार्क ग्रीन दे रही हूँ, इस तरह से
वन साइड से इनको डार्क शेड दे दिया मैंने। ओके अब हम क्या करेंगे, आप इनको वॉलेट कलर वाले पर्पल वाले भी बना सकते हैं। और अब मैं इसमें दे रही हूँ लाइट ग्रीन। इसके बाद जो हम हल्का सा साइज छोड़ के यहाँ पे बाकी पूरे में लाइट ग्रीन से मिक्स कर रहे हैं इसको। इसको लाइट ग्रीन से ही पूरा मिक्स कर देंगे, हमें अलग से मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से मैंने ये नीचे वाले सारे ग्रेप्स कंप्लीट किए। मैंने एक पहले सर्कल बना दिया है जिससे उस स्पेस को छोड़ के मैंने बाकी में लाइट ग्रीन कर दिया है। अब हम बाकी जो ग्रेप्स बचे हैं उसमें हाफ तक लाइट ग्रीन कर देंगे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पोर्शन छोड़ रही हूँ मैं, बाकी पूरा लाइट ग्रीन कर रही हूँ। इस तरीके से मैंने इसमें इतने ग्रेप्स में लाइट ग्रीन भी कंप्लीट कर दिया है। अब हम करेंगे इसमें येलो यूज़। येलो जहाँ पे पहले नीचे हमने हल्का सा पोर्शन छोड़ा है उसमें कर रहे हैं, इनको कंप्लीट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं येलो का भी शेड आ रहा है, लाइट ग्रीन का भी और डार्क ग्रीन का भी, तीनों कलर के शेड मिक्स आ रहे हैं इसमें। अब हम जो हमारे ऊपर वाले जिसमें हम सिर्फ लाइट ग्रीन किया था उसको हम येलो के साथ मिक्स कर रहे हैं और पूरा फिल कर रहे हैं इस तरीके से। ये हमारी इस तरह से ग्रेप्स हो गए। अब हम एक बार डार्क ग्रीन से इसको आउटलाइन दे देंगे। ये हमने इसमें डार्क ग्रीन से एक बार आउटलाइन दे दिए जिससे उसमें फिनिशिंग दिखे, जो प्रॉपर कलर सभी में देंगे, जो ऊपर की साइड है उसमें भी। हमारे ग्रेप्स कंप्लीट हो गए हैं। चलिए लीफ स्टार्ट करें। लीफ में भी सेम थ्री कलर्स यूज़ होंगे। पहले हम येलो यूज़ कर रहे हैं। आप कहेंगे थर्ड के स्टूडेंट्स हैं और इतना हार्ड कलरिंग, बट हम अगर स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ये कोई भी वर्क बहुत हार्ड नहीं है। अभी से अगर हम ऑयल पेस्टल कलरिंग शेडिंग मिक्सिंग सीखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों में हमें कलरिंग करनी आ जाएगी। और अगर किसी को भी फिर भी प्रॉब्लम होती है तो वो प्रॉपर क्रेयॉन्स यूज़ करके भी कर सकता है, बट जो सीखना चाहते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं इन चीज़ों में, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा है वो भी करना, वो अलग से सीखेंगे। तो सभी को ध्यान में रखते हुए मैंने ऑयल पेस्टल स्टार्ट किए हैं थर्ड क्लास में भी, ताकि अभी से आपको इनको यूज़ करना आ जाए, होल्ड करना आ जाए कि कैसे हम इसको यूज़ करेंगे।
आप देख रहे हैं हमारे ग्रेप्स बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं ग्रेप्स। तो इस तरीके से आप फ्रूट्स कंप्लीट करेंगे। 4 फ्रूट्स हमने यहाँ ड्रॉ किए हैं, बनाना, ग्रेप्स, एप्पल एंड मैंगो। तो आप भी ये फ्रूट्स कंप्लीट कीजिए और मुझसे शेयर कीजिए। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं कोई कलर यूज़ करने में या ड्राइंग में कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए। ओके, चलिए एक बार ट्राई करके देखिए आप बना पाएंगे। आई नो यू ऑल कैन डू दिस थिंग। चलिए अपना वर्क कंप्लीट कीजिए और मुझसे शेयर कीजिए। थैंक यू।